हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आजकल मैं लिखना पढ़ना सिखा रहा हूँ इंग्लिश में, कि इंग्लिश में लिखना पढ़ना कैसे सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी तक 6 वीडियो डाल दिया है और आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस वर्ड में किस लेटर को हम क्या पढ़ते हैं। इसका एक पर्टिकुलर रूल्स होता है इंग्लिश रीड करने का। किसी भी वर्ड्स में जैसे TH है तो TH को हम थ का पढ़ते हैं और द का पढ़ते हैं। Y को हम कब ई पढ़ते हैं और कब य पढ़ते हैं। ये रूल्स अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस मीन्स प्रैक्टिस के द्वारा आपको धीरे धीरे सब कुछ पढ़ने आ जाएगा। बस ये चीज़ पता होना चाहिए कि किसको क्या पढ़ा जाता है और क्या पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, अगर इसके पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखी है और आज ही आप मेरे चैनल पर आए हो और आप पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो इंग्लिश में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस पहले वाली देख लो। सारे के सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके सारे वीडियोज़ जो इसके पहले वाले मैंने पढ़ाया है पूरा कखा गगा से शुरू किया है मैंने, सारे वीडियोज़ देखो, फिर उसके बाद ही ये सारे वीडियो जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो काम में आएगा, आपके समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो क्योंकि मैं लिखना पढ़ना सिखा रहा हूँ इसके लिए इसको शुरू से देखना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते ही हैं तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, सो आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे कि वर्ड्स को हम पढ़ते कैसे हैं। हमने नाम के हिसाब से पढ़ना आपको सिखा दिया कि नाम के हिसाब से कका की यानी मात्रा के हिसाब से हम कैसे पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो वहाँ पर मात्रा यानी कि जो जिस तरह से हम नाम पढ़ते हैं वो रूल्स काम नहीं आता है, वो मेथड काम नहीं आता है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वैसे वर्ड्स को पढ़ने के लिए क्या रूल्स अपनाना होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर हम सब शब्द किसी भी शब्द में TION आता है, ओके फ्रेंड्स, TION, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं। अगर हमने किसी को नाम लिखना और पढ़ना सिखाया है और उसको अगर पढ़ने के लिए बोले तो TION को क्या पढ़ेगा, TION पढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, TION पढ़ेगा, बट इंग्लिश में इसको TION नहीं पढ़ते हैं, इसको शन पढ़ते हैं, शन। ओके फ्रेंड्स, किसी भी वर्ड्स में या तो लास्ट में हो या बीच में हो, अगर ये आता है एक साथ TION तो इसको हम शन पढ़ते हैं। जैसे नेशन, लोशन, मोशन, क्रिएशन, इंटरनेशनल, परफेक्शन, ये जितना भी TION वाला शब्द है वो सारे के सारे शन का इस्तेमाल होता है यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में। तो नेशन, लोशन, मोशन, क्रिएशन। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से लास्ट में है, अगर TION बीच में भी आता है तो उसका हम उच्चारण शन ही पढ़ते हैं। अभी दूसरा है वाई। वाई के लिए हम क्या करते हैं, वाई जब किसी वर्ड्स के अंत में आता है, अंत में वाई किसी भी इंग्लिश वर्ड के जब अंत में आता है तो उसके पहले वाला जो वर्ड्स होता है, जैसे मैंने एक लिखा रेडी, जो पहले वाला क्या है, डी है, तो रे RE A रे हो गया। EA का मैंने आपको बताया था कि जब EA साथ में हो तो उसका उच्चारण A होता है, तो रे हो गया रे। फिर ड, ओके फ्रेंड्स, ड लास्ट में वाई है तो वाई का उच्चारण हमेशा जब लास्ट में रहता है तो ई होता है। ओके फ्रेंड्स, ई का मात्रा लगाते हैं तो हो गया रे डी। ओके फ्रेंड्स, किसी भी वर्ड्स में जब वाई वर्ड्स के अंत में हो और तो उसका उच्चारण ई होता है, यानी कि उसके पहले वाला जो भी वर्ड्स लेटर होता है उसमें हम ई का मात्रा लगाते हैं। जैसे हमने आपको रेडी यहाँ पर लिखकर बताया, उसी तरह से है अगर हम बोलेंगे बॉडी, तो बॉडी, बॉडी, BODY, बॉडी हो गया, पेडी, PADDY। अब यहाँ पे मत समझना है कि डी के बाद ही हमेशा वाई होता है, दूसरे वर्ड्स में भी आते हैं। मैनी जैसे हो गया मैनी, तो एन में यहाँ पर ई का मात्रा लग गया, मैनी। ओके, क्रेजी, जेड, जेड मतलब ज, उसमें वाई है तो वाई में ई का मात्रा लग गया जेड में, तो क्रेजी हो गया। SHADY, तो डी वाई यहाँ पर है तो डी में ई का मात्रा लग गया, डी यानी शेडी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया रेडी, बॉडी, पेडी, मैनी,
क्रेजी, शेडी, लेजी, कुछ भी हम बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं। बस मैं आपको पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा हो तो क्या पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अभी अगर वाई से पहले कोई वॉवेल आता है, जैसे आई ई ए यू ओ आते हैं ना सब वॉवेल, तो आई ई ए इस तरह का आता है, यानी कि पांच आएंगे उसमें, आई ई ओ यू और ए, ये वॉवेल्स है। अगर वाई से पहले आ रहा है तो उसका उच्चारण ए होता है, फिर ई नहीं होगा। जैसे दे, टी एच ई वाई, तो यहाँ पर वाई से पहले ई आया है, यानी कि वोवेल है ये, तो दे हो गया। डी ए वाई, डे, डी का तो ड होता है, उसमें ए का मात्रा लगा दिया हमने, यानी कि वाई आया है तो डे हो गया। एल ए वाई, ले, बी ए वाई, बे, इसमें आप ध्यान रखना कि वाई से पहले इसमें वोवेल्स है, ए है यहाँ पर। मे, आर ए वाई, रे, ऑलवेज, ए एल वाई डब्ल्यू, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज, पी एल ए वाई, प्ले। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी वाई का, तो इसमें भी वाई लास्ट में ही होता है, बट इसमें इसके पहले वॉवेल होता है, तो उसका उच्चारण हम ए से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या था, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं था, दूसरा अल्टर डी है, डी है, एन है, जेड है, डी है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए उसमें ई का मात्रा लगा। तो जब भी ऐसा हो तो उसमें ई उच्चारण होगा उसका वाई का, और जब वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो उसका उच्चारण ए होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे पढ़ते हैं। के एन, जब भी के और एन, के और एन जब भी साथ में हो तो के का उच्चारण नहीं होता है, के उसमें साइलेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, के हम नहीं पढ़ेंगे उसमें। तो जैसे के एन आई एफ ई, नाइफ पढ़ते हैं इसको, न कि कनाइफ। ओके फ्रेंड्स, नाइफ पढ़ते हैं, के को नहीं पढ़ते। के एन ओ डब्ल्यू, इसको नो पढ़ते हैं, के नो, क्नो नहीं पढ़ते। के एन ओ सी के, नोक। के एन ओ डब्ल्यू डी एल ई डी जी ई, नॉलेज पढ़ते हैं इसको, कनोलेज नहीं पढ़ते। के एन आई जी एस टी, नाइट पढ़ते हैं इसको, कनाइट नहीं पढ़ते। ये नाइट मतलब पहरेदार होता है, नाइट मतलब रात नहीं। ओके, अभी आगे टी सी एच। अभी जब टी सी एच एक साथ आता है तो उसमें टी साइलेंट होता है, यानी कि टी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। जैसे के आई टी सी एच ई एन, किचन, यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं हुआ। टी सी एच साथ में है ना, यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा। इसमें भी पी आई टी सी एच, इसमें भी टी सी एच एक साथ है, इसमें पिच बोलेंगे, टी का उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से आगे बिच, फेच, कैच। ओके फ्रेंड्स, जब भी टी सी एच एक साथ हो तो उसमें टी को हम नहीं पढ़ेंगे। अभी टी एच का उच्चारण हम कहीं पर थ करते हैं तो कहीं पर द करते हैं। कहाँ पर हम द पढ़ते हैं और कहाँ पर थ पढ़ते हैं वो भी सीख रहे हैं हम। तो टी एच द का उच्चारण जब शुरू में हो, शुरू में, जब शुरुआत में टी एच आए तो उसका हमेशा द से उच्चारण उच्चारित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि टी एच बीच में भी होता है। अगर टी एच बीच में भी हो और उसके आजू बाजू में वॉवेल्स हो तो वहाँ पर टी एच का उच्चारण द ही होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ज़्यादातर हम इंग्लिश में टी एच का उच्चारण द से करते हैं, उच्चारित करते हैं उसको द पढ़ के। ओके फ्रेंड्स, तो टी एच मतलब द, तो दिस हो गया, टी एच ए टी दैट, टी एच ई एस ई दै, दिस, दोस, देम, मदर, ब्रदर, फादर, लेदर, बहुत सारे होते हैं इस तरह के, जितने भी वर्ड्स आते हैं उसमें टी एच आते हैं उसमें उसका उच्चारण द होता है। लेकिन थ, हम टी एच का मतलब थ कब बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में, तो जब टी एच लास्ट में होता है, जब टी एच लास्ट में हो तो उसको हम थ पढ़ते हैं। द बहुत रेयरली हम पढ़ेंगे द, लेकिन ज़्यादातर हम टी एच को थ ही पढ़ते हैं जब वर्ड्स के लास्ट में होता है। तो जैसे आप, हमने डी ई ए टी एच लिखा है, लास्ट में टी एच लिखा है, तो डेथ हो गया, डेथ, ये हो गया पाथ, मंथ, फेथ, इस तरह से बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसमें लास्ट में टी एच आता है तो उसका उच्चारण थ होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी आप कहीं से ये ऐसा वर्ड मत ढूंढ के बोल देना कि इसमें तो द आ रहा है, तो रेयरली बोल रहा हूँ कि रेयरली द का उच्चारण होगा जब लास्ट में टी एच होगा, तो रेयरली होता है। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादातर थ ही होता है।
बस पढ़ने का एक मेथड तरीका वे बता रहा हूँ मैं कि आप किस तरीके से आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको खुद को आइडिया होने लगता है कि किसको हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। अभी बाद में है ई, अभी हम ई के बारे में जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, ई का क्या है कि जब भी ई किसी भी वर्ड के अंत में आता है, अंत में, तो ई को हम नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे साइलेंस हो जाता है ई। जैसे एम ए के ई मैक, एम ओ आर ई मोर, पी एल ए सी ई प्लेस, पी ई ए सी ई पीस, बी ए, यहाँ पे हमने पेस कर दिया है, यहाँ पे पेस होगा, पेस, पी ए सी ई पेस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होता है, ई का उच्चारण इसमें नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं जिसमें लास्ट में ई आता है, तो उसमें हम ई का उच्चारण नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इंग्लिश की बुक को रीड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप घर पे भी किसी भी बुक को लेकर, बच्चे की बुक को लेकर आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रोज़ रीडिंग कीजिए, रोज़, सिर्फ 5 या 10 मिनट, जितना आपसे हो सके, कम से कम 5 मिनट तो कीजिए ही। रोज़ रीडिंग कीजिए, बोल बोल कर कीजिए, फिर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है कुछ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए। देखना फ्रेंड्स, आप इंग्लिश की बुक महीने दिन में आप कोई भी बुक पढ़ने में सक्षम हो सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी अभी आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।